शहर के एक कोने में बिहार का एक गांव बसा है। लिपा है, पुता है, पिसा है, कुटा है। इसमें देसी हर रंग जड़ा है। जहां कंडे पे तपती बाटियों में रियासते मगध का राज दबा है। टमाटर भी आ गए इस पे। उसी भस्म में ये टमाटर भी भुना है और बैगन को झुलसाकर ये चोखा भी जना है। अरे गर्मा गर्म बाटियां निकाल रहे हैं हाथ से। कभी आया था ये जायका काशी मेहमान बनकर, अब बस गया है यहीं ठेठ बनारसी दस्तरखान बनकर। सुबह सुबह टोटो में बैठकर मैं बनारस के इस इलाके तेलीबाग पहुंचा। चलिए थैंक यू। तो टोटो वाले ने इस खाली कंपाउंड की तरफ उंगली से इशारा किया। मैंने सोचा हैं ये क्या है, क्या यही है वो मशहूर बाटी चोखा रेस्टोरेंट। लिट्टी चोखे की इजाद रियासत मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, जो आज के दौर का बिहार है। मुगल काल में इसी लिट्टी को पाए और शोरबे का साथ मिला तो 1857 की बगावत में रानी लक्ष्मीबाई की सेना को इसका सहारा। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में ऊंट के दूध में गूंधी बाटी का जन्म हुआ, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल के दौर में। और इसी दाल बाटी और लिट्टी चोखे से पैदा हुआ बनारस का ये दोगला नाम और जायका बाटी चोखा, जिसकी सबसे आलिशान महफिल सजती है यहाँ 22 सालों से आनंद मंदिर सिनेमा हॉल के इस अहाते में, जहाँ जायके का मॉर्निंग शो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। पीले से मटमैले गलियारे से मुआयना करते हुए मैं अंदर पहुंचा तो हवेली से इस अहाते के हर कोने में बड़े बड़े अक्षरों में बाटी चोखा लिखा हुआ था। और बूटीदार रंगोलियों की चौखट के नक्काशी वाले दरवाजों के पीछे अंधेरा अब भी सोया हुआ था और कुछ दरवाजों के पीछे थी तैयारियों की खामोशी। एक तरफ पंडित जी सुबह की पूजा कर रहे थे तो दूसरी तरफ नम कुल्हड़ों के साथ दो नौजवान भी धूप सेक रहे थे, लेकिन मेरी तरफ कोई मुखातिब नहीं हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं कहां। इसी पशुपेश में मैं धुएं से रिसते हुए इस दरवाजे में घुस गया जहां बाटियां बन रही थी। अफरा तफरी सी मच गई और दोनों नौजवान भागते हुए आए और मैनेजर साहब ने भड़कते हुए मुझसे कहा, आप अंदर कैसे गए और आप हैं कौन? और इन मैनेजर साहब की तरह अगर आपको भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। आपका बाटी चोखा में स्वागत है। बड़ा ही आनंद आता है लोगों को गांव की चीजों को देख करके। वो लोग बताते हैं अपने बच्चों को कि ऐसे गांव में होता था, हमारी माँ हमारी दादी इस तरह से ये करती ये बनाती थी, तो सारी कहानियाँ बच्चों के सामने बताई जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। लोग आकर के यहाँ पूरी तरह से संतुष्ट होकर के जाते हैं। वो बोलते हैं कि यदि हम बनारस आते हैं किसी भी काम से और बाटी चोखा नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वो ट्रिप अधूरा रह जाता है। मुलाकात की रस्म जब पूरी हो गई तो उन्होंने मामला संभालते हुए कहा, आप इस तरफ आइए, मैं आपको सारी तैयारियां शुरू से दिखाता हूँ। बाहर निकल के दीवारों पे मुस्तैद सैनिकों वाले इस दरवाजे से मैं अंदर आया तो ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट की मेन एंट्री थी, जहाँ एक तस्वीर फूलों से स्वागत कर रही थी। अरहर की दाल और हल्दी मिलाया है इसमें, हल्दी नीमक तेल। और इसी खूबसूरत सहन से जुड़ा था बांस की दीवारों से छनती रोशनी वाला जालीदार बावर्ची खाना, जिसके एक हिस्से में कंडे का ढेर लगा हुआ था तो दूसरे पे गोली धार वाली मिट्टी के तीन चूल्हों में से एक पे लंबा सा घूंघट काढ़े इस बावर्ची मोहतरमा ने अरहर की दाल सजा रखी थी। और इसी बावर्ची खाने के बीचों बीच दो नौजवान कारीगरों ने पहले इस आधे ड्रम पे ये भारी भरकम लोहे की कढ़ाई चढ़ाई, जिसमें कल की राख के छर्रों के ऊपर बड़े सलीके से बिछाए गोबर के ताजे कंडे और फिर आग लगा दी। जो सारी खुशबू धुएं में मिल करके आ रही है उसका अपना एक अलग मजा पैदा हो रहा है। यहाँ पर आ गए हैं बैगन और टमाटर चोखे के लिए। मिनट भर में जब ये कंडे दहकने लगे तो पहले उनका बिस्तर सा बनाकर बड़े बड़े चटख बैगनों को धुएं की आगोश में लिटा दिया और दोनों कारीगर बारी बारी एक नुकेले औजार से बैगनों को फंसाते और करवट बदल देते।
चार पाँच मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे और उसको पलटते जा रहे हैं, उसमें हल्का सा सुराग भी होता जा रहा है इसी वजह से, ताकि पकने में उसको मदद भी मिले। खामोशी में लीन इन कारीगरों ने गोद गोद कर इन बैगनों की अंगारों से इतनी गुफ्तगू करवाई कि वो झुलस कर स्याह हो गए और गूदा अंदर तक पक के फालूदा। फिर तैयार बैगनों को तसले में अलग करते ही उस खाली जगह को दर्जनों लाल टमाटर से ढक दिया। वाह भाई वाह, टमाटर भी आ गए इस पे। और ठीक उसी तरह इन टमाटरों को भी उलट पलट कर इतना झुलसाया गया कि उन पे काले धब्बे हावी हो गए और टमाटर भी धीरे धीरे ऐसे सिकुड़ते हुए पक रहा है और उसमें भी सोनापन पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है उसके अंदर। और इन दोनों भुनी हुई सब्जियों को उबले आलू, हरी धनिये और कच्चे सरसों के तेल में गूंद कर तैयार होगा चोखा। दाल का झाग भी तैयारी की गुहार लगाने लगा तो उसमें बाकी चीजें डालकर दाल दम पे रख दी गई। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और बाटी की तैयारी दिखाने ये दूसरे थोड़े से शोक मैनेजर हमें ले आए इस गांव के उस हिस्से में जहां तीन औरतें मिट्टी से लिपे इस चबूतरे पे मसाला तैयार कर रही थी। ये हल्दी की यहाँ कुटाई हो रही है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा कहीं। मेरी नजर इस ओखली पे पड़ी तो मैं हैरान रह गया। ये नायाब ओखली जिस्म के वजन और मोटी रस्सी के लगाम से हिनहिनाती और जो ये धड़ाम से ओखली में गिरती हल्दी के छर्रे चकना चूर हो जाते और इसी कुटे मसाले से बनती है यहाँ की दाल जो अब लगभग तैयार हो चुकी थी। ये हरी चटनी बनाई जा रही है धनिया की, इस पर सिलबट्टा पे जो है, सिल लोड़ा पे, जो देशी एकदम स्टाइल होता है गांव में। और सामने पीसी जा रही थी हरी चटनी जिसमें हरी धनिया के साथ हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ी सी अदरक भी शामिल थी। सिलबट्टे पे पिसने की वजह से इसमें दरबरेपन के साथ लस भी पैदा हो रहा था। यही चटनी बाटी चोखे के साथ परोसी जाएगी। वाह वाह वाह। और ये सत्तू है, जो चना है ये, जी हम लोग अपने आप पत्थर से पीसते। सिलबट्टे के बगल में ही जड़ी थी हिंदुस्तान के गांव की चक्की जिसे जाता कहते हैं। दो भारी पत्थरों के जोड़े का निचला भारी हिस्सा फर्श में धसा था और ऊपरी पत्थर के बीच इस महिला ने भुना चना डाल हत्थे को पूरी ताकत से चलाया तो सत्तू पिसके निकलने लगा। और इसी सत्तू में कलौंजी, अजवाइन, हींग, जीरा, नमक और अदरक मिला के गेहूं के आटे की ये बाटियां सिकने के लिए बाहर आ चुकी थी। बाटियों को सेकने के लिए झुलसे हुए कंडों को इस औजार से पीट पीट कर पहले सपाट सी एक सतह बनाई गई और फिर नाजुक बाटियों की इस कश्ती को भस्म पे बेधड़क पलट दिया। पलटते रहेंगे इसको ऐसे धीरे धीरे। इन बाटियों को दोनों कारीगर नजाकत के साथ रफ्तार से हर सेकंड घुमाते रहे तब तक जब तक इनसे नमी रिहा नहीं हो गई और ऊपरी परत के सख्त होते ही उस पे सुनहरी बूंदें चटकने लगी। बाटियों का रंग जब बादामी सा होने लगा तो कारीगर ने सारी बाटियों को कंडों की गोटलियों में दफन कर दिया। जब ये बाटियां भुनकर अंदर तक पक गईं, तो राख में सनी इन बाटियों को एक तसले में अलग कर लिया। अरे गर्मा गर्म बाटियां निकाल रहे हैं हाथ से। मैंने सोचा कितनी गंदगी है इस पे, इसे खाएंगे कैसे। बस मेरा सोचना ही था कि कारीगर ने इन झुलसती हुई बाटियों को जूट के बोरे में भरकर पूरी ताकत से दाएं बाएं मथने लगा। बाटियां तैयार हो गई हैं, बिल्कुल साफ सुथरी। राख के साथ इसके जले हुए हिस्से भी साफ हो गए। सब कुछ तैयार हो चुका था और भूख भी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैनेजर साहब इस दावत के लिए हमें ले आए पहली मंजिल पे। एक एक चीज आपको यूनिक मिलेगी। हाँ। आप कहीं भी नजर लगाइए। हाँ। इसको देख लीजिए। हाँ। कम से कम 100 साल से ऊपर का पुराना। अच्छा, इसके कांच अगर टूट जाए। हाँ। तो मिलेंगे नहीं। परदेसी आई दुवारे हो। यहाँ का माहौल और मंजर तो अलग ही सजा था, जो गुजरे हुए वक्त को संजोए एक म्यूजियम सा था। ये 150 से 200 साल पुरानी डोली है। सिंहासन कहिए इसको, कुर्सी भी क्या कहेंगे, क्या जबरदस्त है भाई। इस कुर्सी की भी कोई कहानी है? ये कुर्सी की कहानी है, ये राजा महाराजाओं की कुर्सी है।
ये राजस्थान से आई हुई। ये संदूक भी देखिए पुराने जमाने की है। वाह भाई, संदूक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो खुद खाता पीता है वही उठा पाएगा। इसके लॉक का सिस्टम देखिए यहाँ से, हाँ इसको बंद कर देंगे, घर से बंद कर देंगे, फिर नहीं खुलेगा ये। अब नहीं खुलेगा, अभी खोलेंगे नहीं खुलेगा। अरे वाह, शू काउंटर बनाया हुआ है बाकायदा। आप यहाँ पर बैठिए, अपने शूज रिमूव कीजिए, इस बास्केट में शूज रखेंगे, इसका लीजिए टोकन। जूते उतार के रखने की इस रस्म को पूरा कर जो मैं हॉल में दाखिल हुआ तो पता चला असली महफिल तो यहाँ सजी है। मिर्जापुर की लाल कालीन के कोनों पे लंबाई से बांस का छप्पर छाया था, जिसके नीचे लाइन से टिकी थी लकड़ी की तिपाई, जिसपे लकड़ी की एक प्लेट में पत्तल पे पूर्वा और चम्मच सजा था। चूने से पुती दीवारों पे लाइट के साथ लालटेन भी रोशन थी, और सब्ज हरे और सफेद कुर्ते पजामे में फुदकते हुए ये वेटर्स दावत छेड़ चुके थे। बैठते हैं, देखते हैं मेन्यू में है क्या। आइए भाई, एक सूप है और सूप को बहुत खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेट किया है और उसी पे सारा मेन्यू दिया हुआ है। आज की दावत मेरी तरफ से थी, इसलिए मैंने ऑर्डर किया इनका सबसे स्पेशल बाटी चोखा। ये हो गई हमारी। ये धनिया का चटनी है। धनिया की चटनी, टमाटर का चटनी, टमाटर का चटनी, ये मूली, बहुत जबरदस्त मिर्च भी। तो उसी के पीछे दूसरे वेटर ने पूर्व में मट्ठा यानी नमकीन लस्सी परोसी, और कतार में तीसरे वेटर ने टिकाया फरा। ये दाल की पकौड़ी है। पत्रकार की पकौड़ी, दाल की पकौड़ी। अच्छा। फिर दो दो दाल और पनीर की पकौड़ियों के बाद परोसा गया ये खुशबूदार चोखा। मैं इस फरा को आज पहली बार चखूंगा, जो चावल के आटे और उड़द की दाल का बना था। जायका अच्छा है। नमकीन ये तला हुआ फरा थोड़ा सख्त था, जो खिंच भी रहा था। अब लपेटते हैं इस पकौड़ी को हरी चटनी में। बेहतरीन। और जो मैंने इन पनीर पकौड़ियों को चखा, जबान पे घुल गई। वाह, पनीर ऐसा हो कि जबान पे जाते ही बिल्कुल घुल जाए। परोसने का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, तो आई गर्मा गर्म पनीर बाटी और सत्तू बाटी, जिसके साथ मिट्टी की प्याली में परोसी गई दाल। इसको हाफ कर दीजिए, घी डाल दीजिए। अच्छा। फिर आई देसी घी से भरी डोलची, जिससे बाटियां और दाल तर कर दी गई। पनीर इतना ज्यादा मुलायम है यहाँ पर, उसको लगाते हैं चोखा। अब लेता हूँ पनीर बाटी और चोखे का पहला जायका। वाह वाह वाह, इससे बढ़िया बाटी चोखा मैंने अब तक तो नहीं खाया। सत्तू बाटी का भी वही बेहतरीन हाल था। सरसों के तेल के झार में सत्तू का जायका मानो समुंदर, और धुंगार वाला ये चोखा चटपटा और मसालेदार था। मट्ठा भी बहुत ही बेहतरीन था। फिर एक वेटर लाया बाल्टी में चावल, जिसको मेरा दाल के साथ खाने का मन था। मखमली दाल में धुएं का सोंधापन कमाल था। वाह भाई वाह। फिर आखिर में आई खीर भी। उफ, ये खीर भी कतई बवाल थी। बहुत सारी जगह मैंने खाया बाटी चोखा, उसमें एक नंबर पर रखता हूँ मैं आपको। नजरें चुराती मैनेजर साहब की खामोशी तारीफ पे मुस्कुराई। वाह वाह वाह। और इस सच से मैंने अलविदा लिया तो 20 मीटर पे दूसरा मशहूर जायका था, रोल कॉर्नर। ये है रोल कॉर्नर, और बनारस की सबसे पुरानी रोल की दुकान है। और ये कहते हैं कि बनारस में रोल की शुरुआत इन्होंने ही की थी। जब शूट कर रहा था तो कोई कुछ नहीं बोला, पूछ लिया तो एतराज हो गया। जगह बेहतरीन थी, लेकिन कैमरे की आंखें बंद करनी पड़ी। फिर जब मुझे मशवरा मिला पंचगंगा घाट पे 350 साल पुरानी धरारा मस्जिद देखने का, तो बनारस की इस ठंडी दोपहर में मैं नाव से पहुंच गया पंचगंगा घाट। जैसे जैसे मैं इस वक्त में ठहरी खड़ी सीढ़ियां चढ़ता, ये ऊपर पतली होती जाती। क्या जबरदस्त सीढ़ियां हैं। आखिरकार हाफते हुए बस मैं पहुंचा ही था कि सिक्योरिटी ने हमें अंदर जाने से रोक दिया। एक और इनकार,
मायूस होकर मैं इस मस्जिद से जुड़े तंग गलियारे में आगे बढ़ा। ये नंदी बाबा एक काशी विश्वनाथ के लिए दर्शन के लिए आए हैं। तो शिव जी के इस वाहन चारों धाम यात्रा पे निकले नंदी का सब आशीर्वाद ले रहे थे। नारंगी सींगों वाले लहीम शहीम इस नंदी के अक्स की चाल से पूरा गलियारा ठहर गया। हिंदू आस्था के मुताबिक नंदी के कान में व्यक्त की गई इच्छाओं को शिव जी जरूर पूरा करते हैं। मस्जिद के साये में इस चाय के अड्डे पे पहले मैंने एक कप चाय पी और सुकून तलाशने वापस आ गया बनारस के अपने सबसे पसंदीदा हॉस्टल पे वैंडर स्टेशन। दिस इज रियली नाइस, वेरी कोजी, वेरी कंफर्टेबल, फोर बेड बंक्स हैं। मेरे बनारस के इस सफर की ये मेरी सबसे पसंदीदा प्रॉपर्टी है जिसकी छत पे मोक्ष सा सुकून है और संजय भाई के हाथों की चाय में अमृत। रात को ठहाकों की थपकियां मेरी थकान को दूर कर देती हैं, जिसकी महफिल सजाते हैं यहाँ के फाउंडर आशीष सिंह। और कल मैं आपको ले चलूंगा बनारस के जायके और रसूमात के सबसे अनोखे सफर पे, मदनपुरा। ये कबाब है और शीरमाल बन रहे हैं। जहाँ इस होटल की पुश्तें जुड़ती हैं शाहजहां के शाही बावर्ची खाने से, और दावे के साथ चखाऊंगा बनारस की सबसे बेहतरीन बिरयानी। हाँ, एक घंटा में पता है, तुरंत काम कर देंगे, अभी नहीं लगाएंगे। आप लोग वेटिंग में हैं? आप लोग वेट कर रहे हैं भाई। और लुट के बिकने वाला ये सबसे बेहतरीन लौंग लता। मिलता हूँ आपसे कल बनारस के इस जायके के नए सफर में। ओ,